जय हिंद मेरे साथियों, मैं आ गई एक और नई वीडियो में, बिल्कुल हंसते खेलते मुस्कुराते मुस्कुराते। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चलती आ रही है। आज का नंबर है पार्ट 4। मेरे साथ ही कन्फर्म ही मैं क्वार्टरली एग्जाम को टारगेट करके चल रहा हूँ सब्जेक्ट केमिस्ट्री को लेकर के, और क्लास 12th के लिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे कहीं ना कहीं आपको एनुअल एग्जाम में ही प्रॉफिट होगा, आपका लॉस तो होगा नहीं कि आपका लॉस होगा, एनुअल एग्जाम में भी आपको प्रॉफिट होगा, है ना मेरे साथी। चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग देख रहे हैं बघेली एजुकेशन, और बघेली एजुकेशन में मैं सचिन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे साथी अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को शेयर करें। चलिए मेरे साथी मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इसी के साथ मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारी सीरीज चल रही है आज पार्ट 4 है, आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया, देख लीजिए यूनिट 3 का है मेरा इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री विद्युत रसायन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12th। ओके मेरे साथी, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए मेरे साथी इसी के साथ मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है, नरनष्ट समीकरण क्या है, इसके महत्व बताइए। मेरे साथी कुछ बच्चों का डाउट आता था कि सर क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ की लाइट थोड़ी सी वो हो जा रही, तो मैं जब एडिट कर रहा हूँ जिसके सामने आपके थंबनेल में क्वेश्चन आ जा रहा है जब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, सो इससे आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं कि हाँ यही वाला क्वेश्चन होगा। ओके, तो क्या नरनष्ट समीकरण क्या है एवं इसके महत्व बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोलरास का नियम अनुप्रयोग से समझाइए। मेरे साथ जो कोलरास का नियम है उसको तो साथ में बताइए, इसी के साथ में अनुप्रयोग को भी बताना है। सो मेरे साथ ही प्लीज आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करिए, आपके लिए बोर्ड एग्जाम बहुत ही सरल हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ले दूं, अब मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की भी क्लास लेके आने वाला हूं, जस्ट वेट, कुछ ही दिनों बाद कुछ ही टाइम से मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की भी क्लास लेकर के आ जाऊंगा मेरे साथ ही। इसके बाद एक प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मेरे साथ ही बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं एवं प्रभावित करने वाले कारक बताइए। इसी के साथ मेरे साथी प्रश्न नंबर 4 कहता है, फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम मेरे साथी बहुत जरूरी है, दोनों नियम इसमें लिखना है, अगर इसने ये नहीं बोला कि प्रथम या द्वितीय बताना है, साफ साफ बोला है फैराडे के नियम लिखिए, मीन्स फैराडे के आपको दोनों नियम लिखने हैं मेरे साथी। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, शुष्क सेल को सचित्र समझाइए। मेरे साथी जो शुष्क सेल होते हैं ना उसे आपको सचित्र समझाने में चित्र सहित उसका वर्णन करना है। फिर हम मेरे साथ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संचारण किसे कहते हैं एवं प्रभावित करने वाले कारक एवं बचाव बताइए। मींस मेरे साथी संचारण कहते किसे हैं, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है इसको मतलब इससे बचाव हम कैसे कर सकते, जैसे मान लो जो कि कोई लोहा हो गया और उस लोहे में जंग लग गया, मीन्स संचारण की क्रिया संपन्न होगी, अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, है ना। तो मेरे साथी ये भी आपको बताने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी आपके एग्जाम के लिए, प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ मेरे साथी। और अगर वीडियो अच्छी भी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए मेरे साथी इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप सबसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।